बॉलीवुड मसाला आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड की एक दिलचस्प खबर। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय अपने एक विवादित ट्वीट की वजह से चर्चा में हैं। उन्होंने ट्विटर पर एग्जिट पोल से जुड़ा एक ऐसा मीम शेयर किया था जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन, सलमान खान, अभिषेक बच्चन और उनकी तस्वीर के जरिए एग्जिट पोल और नतीजों पर कटाक्ष किया गया था। हालांकि उन्होंने अब इस मामले में माफी मांग ली है, लेकिन अपने इस ट्वीट की वजह से विवेक ओबरॉय न केवल ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं, बल्कि बॉलीवुड सितारों की आलोचना का भी सामना कर रहे हैं। वहीं विवेक ओबरॉय के इस मीम के बाद सोशल मीडिया पर उनसे जुड़े और भी मीम्स वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स विवेक ओबरॉय के खिलाफ मीम बनाकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक ट्विटर हैंडलर ने सलमान खान, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन का एक मीम शेयर करते हुए लिखा है कि विवेक को सतर्क रहना चाहिए और उन्हें खुश होना चाहिए कि सलमान खान बाइक नहीं चला रहे हैं। वहीं एक दूसरे यूज़र ने लिखा है कि विवेक ओबरॉय को मिला लीगल नोटिस, हर जगह झेल रहे हैं आलोचना के बीच विवेक ओबरॉय। वहीं विवेक ओबरॉय का एक वीडियो शेयर करते हुए एक यूज़र ने उनका मजाक उड़ाया है और एक यूज़र ने विवेक ओबरॉय को महिला आयोग से जुड़ा एक मीम बनाया है। इन सब के अलावा विवेक ओबरॉय को लेकर और भी कई मीम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें, अपने विवादित मीम पर बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय ने माफ़ी मांग ली है। उन्होंने ट्विटर पर माफ़ी मांगते हुए लिखा कि कभी कभी पहली नज़र में मज़ेदार और हानि रहित प्रतीत होती है, लेकिन ऐसे दूसरों को नहीं लग सकता है। मैं महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने 2000 से ज़्यादा वंचित लड़कियों को सशक्तिकरण के लिए काम किया है। इसके बाद विवेक ओबरॉय ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि अगर मैंने अपने रिप्लाई में किसी महिला की भावनाओं को ठेस पहुंचाया हो तो यह सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कहता हूं कि मुझे माफ़ करें। विवेक ओबरॉय ने अपने ट्वीट में यह भी जाहिर कर दिया है कि उन्हें अपना विवादित ट्वीट डिलीट कर दिया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।